गाइस फिलहाल मैं यार अपने वहाँ से आ चुका हूँ, क्या बोलते हैं, माइकल भाई के घर गया था मैं, और वहाँ से बहुत जल्दी वापस आ चुका क्योंकि गाइस आज वापस से मुझे बहुत जोर की प्रेशर लगा हुआ है, और अगर मैं अभी नहीं गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब क्या हो गया फ्रैंकलिन? अब कुछ नहीं हुआ भाई, बाद में बात करता हूँ यार, पहले देखते हो आज कोई है तो नहीं ना यहाँ पर शिंचन बिंचन हिमावारी में से। जल्दी से जाता हूँ गाइस, आप लोग को पता है भाई जैसे कि अपना ये वाला गेट खुलता ही नहीं है। अब खुल जा भाई खुल जा, ये गेट खुल ही नहीं रहे गाइस, मतलब इसके अंदर हमें कन्फर्म है कि इसके अंदर बाथरूम ही है ऐसा शिंचन ने मुझे बताया था, और ये वाला बाथरूम है भाई। एक सेकंड, अबे कौन है भाई अंदर, कौन है? अरे भैया मैं हूँ यार। अबे मैं कौन? अरे मैं भी हूँ। और ये तुम दोनों एक साथ? अरे मैं भी तो हूँ यार। तुम तीनों क्या कर रहे हो? अरे हम लोग पानी से खेल रहे हैं भैया। अबे निकलो भाई यहाँ, मेरा पेट मेरे साथ खेल रहा है। अरे फिर से आपको दो नंबर आ गई क्या? और नहीं तो क्या भाई, प्लीज निकलो यार। अरे नहीं यार भैया, अभी हम लोग नहीं निकल सकते, अभी हम लोग खेल रहे हैं। अरे गाइस आज फिर से यार ये लोग मेरे पेट में दर्द करेंगे। आप लोग को जैसे कि मैंने लास्ट वाले एपिसोड में दिखाया था कि गाइस इसके अंदर तो बहुत ज्यादा गोल्ड था जिससे हम लोग काफी ज्यादा अमीर बन चुके थे, और इसके अंदर गाइस पता नहीं क्या सीसीटीवी के सिस्टम लगे हुए थे, लेकिन यार अभी क्या करूं। अरे निकल जाओ यार। अरे भैया बोला ना अभी नहीं निकल सकते। अरे गाइस यार बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, गाइस बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। एक सेकंड, शिंचन ने मुझे कहा था कि गाइस हम लोग इस वाले जो बाथरूम है ना, यहां पर आप लोग को दिखा दो ये वाला बाथरूम भाई, इसके अंदर मतलब शिंचन ने मुझे बताया था, ऐसा मैं कंफर्म नहीं हूं कि इसके अंदर 100% बाथरूम है गाइस, तो यार हम लोग को भाई इसे खोलना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मेरी तो हालत खराब हो रही है। और गाइस यार जिस जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, भाई मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। गाइस यहां से बाहर निकलते एक बार और पूछ के देखते, ये लोग निकल जाए तो सही है। अबे भाई निकल जाओ यार। अरे अभी तो मना किया ना भैया हमने। अरे यार क्या करूं गाइस, समझ नहीं आ रहा, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यार, वो गेट कैसे भी खोलना हमें। अब क्या हो गया भाई? अबे भाई मुझे दो नंबर आ रही है, और यार ये लोग बाथरूम में अभी तक खेल रहे पानी से यार। अब भाई सब क्या बात कर रहा है, सही बात कर रहा है यार। एक काम कर, तू मेरे घर में हगिया जाके, तेरे इसमें हगिया जाके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड गाइस, ये कितना गंदा हो रखा है, छी यार तू कैसी बातें करता है यार। अब जावे तेरी शक्ल कौन सी अच्छी है, चल निकल यहाँ से। हाँ ठीक है जा ही रहा हूँ गाइस, यार बहुत जोर की पेट में दर्द हो रहा है। एक काम करते हैं गाइस, वो जो गेट है ना, जो भी मैंने आप लोगों को बताया था शिंचन ने बता रखा है उसके अंदर बाथरूम है, उस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो। उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ इक्विपमेंट, मतलब क्या बोलते हैं उसे, हमें सामान लाना पड़ेगा, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट बोलते हैं भाई, मुझे यार बोलना नहीं आता क्योंकि आप लोग को पता है मैं आपका भाई एकदम अनपढ़ है। लेकिन गाइस कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं गाइस, और भाई अभी के टाइम देखो यार कोई भी नहीं है यहाँ पर, बहुत कम गाड़ियाँ चलेगी गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सीन होने वाला है हमारे साथ, क्या नहीं होने वाला। लेट्स गो गाइस, यहाँ से अभी निकल तो गए हम लोग भाई। एक काम करूं, यहीं आसपास में कहीं कर लूं क्या? नहीं यार, शिंचन बिंचन हिमावार ने ये भी मना कर रखा है। एक तो ये लोग पता नहीं क्या बाथरूम में करने चल जाते हैं डेली डेली, और मेरे को भी इसी टाइम मेरा प्रेशर बनता है गाइस, क्या ही करूं मैं। गाइस मैं एक काम करता हूं, यहां से शॉर्टकट लेता हूं, ड्राइवर भाई के गाँव पे जाना है क्योंकि वहीं से वो सामान मिलता है जिससे हम लोग यार गेट को उखाड़ सकते हैं गाइस। और मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ से राइट ले लूँ क्या, यहाँ से भी शॉर्टकट लेता हूँ। ओ गाइस गड्ढे बहुत ज्यादा और मुझे दिक्कत हो रही है। अरे भाई साहब पेट में उतनी दिक्कत हो रही है जितने गड्ढे हैं। अरे 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 यार फिर से पेट में हो गई दिक्कत। गाइस 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 यहाँ से निकलते हैं यार। दिक्कत पता है क्या हो गई, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ना साथ में हाजमोला भी खा लिया था गाइस, और आप लोगों को पता है भाई हाजमा ठीक करता है वो, और मेरा तो उसने पेट ही खराब कर दिया क्योंकि मैंने चार पाँच खा लिए थे यार एक साथ, इसलिए कहते हैं यार कि हाजमोला बहुत कम खाया करो। लेकिन गाइस अब क्या कर सकते हैं, मैंने तो खा लिया ना, और यहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं आज के दिन, पता नहीं क्यों नहीं है, इसलिए हम लोग बूस्ट मारते मारते निकलते हैं गाइस। अब ये एक सेकंड ठुके ना बस हम लोग ये पाप। अबे ये क्या हो गया गाड़ी को यार, शिट यार गाइस यहाँ पर ठुकते ठुकते बच गए, वैसे ठुक तो गए हैं लेकिन गाइस फाइनली बच भी चुके हैं। गाइस फाइनली हम लोग उस शॉप पर पहुंचने वाले हैं, एक सेकंड, शॉप आगे की तरफ है ना। ओके गाइस आगे की तरफ निकलते हैं फटाफट से, और सामान लेकर सीधा घर चलते हैं, और उस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं भाई। और यार कोई तो आज मेरी हेल्प करने को भी नहीं है, ये लोग हमेशा होते हैं यार। अरे भैया बता रहा हूँ कहीं और मत थकने लग जाना, बता रहा हूँ मैं, तुम लोग अपना मुंह बंद कर लो ठीक है ना, पूरी पब्लिक को बता दो। अरे तो और क्या करेंगे, कैसे लगेगा, सब लोग बोलेंगे तुम्हारे भैया तो बाहर जाके टट्टी करते हैं। अबे चुप कर जा यार शिंचन। अरे मैं बोल रहा हूँ पिंचन। अरे भाई कहीं तो करने दो, तुम लोगों ने ये रख लिया है तो। अरे यार भैया यार हम लोग ने कब बोला आपको कि हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है सब कुछ। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, मुझे जाने नहीं दे रहे तुम लोग। अरे आ जाओ यार वापस आ जाओ, हम लोग आपको आने देंगे, सही बता। अरे हाँ यार सही बता रहा हूँ। एक सेकंड गाइस, मुझे इन लोगों पे ना भरोसा नहीं है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ से ना वो एक क्या बोलता है यार वापस से भूल जाता हूँ मैं। ओके गाइस सामान ले लेता हूँ मैं फटाफट से, उसके बाद
बाहर चलते हैं, क्योंकि गाइस अगर इन लोगों ने मना कर दिया ना मुझे वापस से कि नहीं यहाँ पर नहीं हम लोग करने देंगे, तो गाइस वापस मुझे आना पड़ेगा सामान लेने के लिए। लेकिन गाइस वो शॉप कहाँ चले गई है, एक सेकंड गाइस, यार शॉप यहीं कहीं हुआ करती थी यार। भाई एक सेकंड, राइट में जाते हैं शायद से, वो है सामने की तरफ, नहीं गाइस वो भी नहीं है। एक सेकंड, मेरे हिसाब से होनी तो यही चाहिए, ये तो नहीं है गाइस। ओके ओके, ये है सामने वाली। ऑल राइट गाइस, ये ओपन हो रखी है अभी तक, एम्यूनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन गाइस यहाँ पर ना ड्रिल मशीन वशीन सब कुछ मिलती है। फटाफट से जाते हैं। आइए सर, आइए बताइए क्या चाहिए। भाई ड्रिल मशीन और हथौड़ा होगा आपके पास? हाँ जी बिल्कुल होगा, तो दे दीजिए प्लीज़ फटाफट से। अच्छा ठीक है, अभी दे देता हूँ पैक करके। लेट्स गो गाइस, जल्दी से निकलते हैं। भाई एक सेकंड गाइस, बहुत ज़्यादा जोर से ना पेट कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। फटाफट से यहाँ से निकलते हैं यार, हम लोग कार में, कार के अंदर बैठते हैं। मैं कार को भी गार कह रहा हूँ यार, पता नहीं क्यों। भाई यहाँ पर म्यूजिक तो नहीं चल रहा ना, म्यूजिक ऑफ है। चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। अरे भैया आप आए नहीं? आ तो रहा हूँ भाई, रास्ते में हूँ। अरे जल्दी आ जाओ, फिर से हम लोग घुस जाएंगे, नहीं तो। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ यार। हाँ जल्दी से आ जाओ। लेट्स गो गाइस, काश यार ये सच बोल रहा हो गाइस, झूठ वाली कोई बात रहो। ओके भाई, अभी यहाँ पर ना खाली हो रखी रोड, लेकिन धीरे धीरे भाई यहाँ पर लोग निकल चुके अपने घर से। गाइस अभी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है मेरे हिसाब से। लेट्स गो, यहाँ से राइट लेते हैं। ओके ओके ओके, बस जाम ना मिले, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगा। चलो गाइस यहाँ से शॉर्टकट ले लेते हैं फटाफट से। अरे यार ये गाड़ी कैसे, ओके इसे हवा में थोड़ी सी उड़ा लेते हैं। जहाँ पर मुझे लगेगा ना गाइस कि गाड़ी दिक्कत दे रही है, तो उसे मैं वहाँ पर हवा में उड़ा के ना सीधी कर लूँगा। लेट्स गो, यहाँ से निकलते हैं फटाफट से और भाई मेन रोड पर पहुँच जाते हैं। गाइस आप में से काफ़ी लोगों ने यार अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक भी नहीं किया। आप लोग वीडियोस देख ले तो, लेकिन गाइस वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो प्लीज यार जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस आगे की तरफ मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक नजर आ रहा था और गाइस मैंने साइड में ले ली गाड़ी। चलो चलो चलो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट गाइस, काफी सही तरीके से हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। चलो चलो यहाँ से सीधे निकलते हैं गाइस। ओके मुझे यहाँ से लेफ्ट ले लेना चाहिए। ओके ओके, सामने की तरफ भी कार है। ओके गाइस यहाँ पर ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मुझे बचकर निकल रहा हूँ मैं कैसे ना कैसे ही। ये देखो, अरे ठुक गई यार गलती से। ऑल राइट गाइस देखो क्या बच रहे अभी हम लोग। ओके ओके, बच गए गाइस यार। ओके फाइनली यहाँ से तो निकल गए, पीछे वाला ट्रैफिक हम लोगों ने कवर कर लिया गाइस। ये वाला ट्रैफिक आ गया, ये तो साइड से मैं निकाल लूंगा। ओके यार ये वाइट वाली लाइन से हम लोग ज्यादा उधर ना ही जाए तो सही है, क्योंकि गाइस वहां पर ना कील वील पड़ी होती है और अपना अगर टायर पंचर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी गाइस। और हम लोग बस थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाएंगे, मतलब मैक्सिमम बताऊँ आपको तो 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे हम लोग। लेट्स गो, ये लिया राइट। चलो गाइस यहाँ का ट्रैफिक भी आपके भाई ने कवर कर लिया बहुत आसानी से। और गाइस यहाँ पलटते बचा। अरे यार ग्रीन लाइट क्यों नहीं है यार, शिट गाइस यहाँ रेड लाइट हो रखी है। ओके ओ सॉरी भाई सॉरी यार, उतर के मारियो मत बस मुझे। ओके गाइस यहाँ थोड़ा पीछे कर लेते हैं, बस। ओके अब हम लोग सही खड़े हैं भाई, ग्रीन लाइट हो जा तो यार सही है। गाइस हो गई ग्रीन लाइट हो गई यार। चलो 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 निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, आगे से लेफ्ट ले लेते हैं। अरे बच गए। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे गाइस वापस से रेड लाइट के उस चक्कर में नहीं जाना मुझे यार। एक सेकेंड, आराम से निकलते हैं, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी के चक्कर में गाइस हम लोग लेट हो रहे हैं और भी ज़्यादा, इसलिए गाइस आराम से चलते हैं। ओके ओके ओके, सामने की तरफ भी ट्रैफिक है थोड़ा सा, लेकिन आपका भाई क्रॉस कर जाएगा। अब देखो इसने क्या सही तरीके से नहीं, बेकार तरीके से एकदम से कार साइड में कर दी थी। खैर छोड़ो, अभी हम लोग निकल रहे हैं गाइस, बच के चल रहे हैं। ओ हट जाओ सब लोग, हट जाओ यार सामने से। ओके गाइस यहीं से ले लेते हैं, यहाँ से भी घर अपना पास ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता। आगे की तरफ से जाएंगे तो शायद से थोड़ा सा दूर पड़ सकता है, लेकिन गाइस फाइनली हम लोग बस घर पहुंचने ही वाले हैं अपने। तो गाइस फाइनली जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग अपने घर पे पहुंच चुके हैं। ये पार्क कर दी गाड़ी, अब जल्दी जा दो। भाई मेरा पेट कुछ ज्यादा खराब है गाइस, ऐसा ना हो पेंट में कर दूं उस दिन की तरह। लेकिन अभी हम लोग, ओके फाइनली ये लोग बाहर आ चुके हैं। अरे जल्दी जाओ भैया, ये सामान क्या लिया है आप? अबे भाई ये सामान मैं ले आया, वो बाद में बताऊंगा, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट भैया। अबे चुप करो भाई, ऑल द बेस्ट बोल रहे हो यहाँ पर। लेट्स गो गाइस, फटाफट से अंदर जाता हूँ, फ्रेश होकर निकलता हूँ गाइस। तब तक आप लोग यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं अंदर जाता हूँ। फाइनली गाइज मैं बाहर आ गया और भाई इतना फ्रेश फील कर रहा हूँ, तुम लोगों को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे ये तो बताओ इस बैग में क्या है? बैग में जो भी है ना फटाफट से इन्हें लो और भाई वो वाला दरवाजा खोलो। अरे कौन सा वाला? उधर के साइड जो दरवाजा है उसे खोलो ना आकर। अरे अब दिखाओ यार कौन सा वाला, जल्दी से आओ यार इधर। अरे चलोगे तभी तो देखेंगे ना। हाँ चल तो रहा हूँ और कैसे चलूँ, ये वाला दरवाजा खोलो भाई कैसे भी करके। अरे भाई ये तो बहुत टाइम से जाम पड़ा हुआ है यार। भाई देख जाम पड़ा ना पड़ा इन्हें खोलो, मैं तुम लोगों के लिए सामान ले आया। अच्छा ठीक है यार, लाओ दो यार सामान, दो हम अभी लग जाते काम पे। हाँ भाई ठीक है, लो यार।
तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये लोग तीनों के तीनों काम में लग चुके हैं। अरे भैया मैं एक चीज कह रहा था। हाँ भाई बोल। अरे यार ड्रिल मशीन एक और लिया यार, जल्दी से हो जाएगा काम। ठीक है मैं ले आता हूँ, लेकिन तुम लोग ध्यान से काम करना, लगनी नहीं चाहिए। अरे चिंता मत करो, ड्रिल मशीन ले आना बढ़िया सी। ठीक है भाई लेकर आता हूँ। गाइस भाई यार अभी पेट एकदम खाली हो गया ना गाइस, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और भाई आज तो इस गेट को खोल के रहना, देखना भाई इसके अंदर क्या है यार। ऐसा भाई समझ ही नहीं आता भाई, ऐसी क्या चीज है भाई जो मतलब इतने टाइम से बंद कर रखी है। लेट्स गो गाइस, यहाँ से निकल चुके हम लोग। और ड्रिल मशीन तो देखो आसपास ही मिल जाएगी, हमें ज़्यादा दूर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यार वापस उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर क्या है ना, वहाँ पर वो जो हथौड़ा है ना, जो गेट तोड़ने वाला, अलग आता गाइस। हमारा जो गेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके का है, इसलिए गाइस हम लोगों को वहीं पर जाना पड़ा था, क्योंकि गेट बनाने वाला ना उसी जगह से आया था, इसलिए गाइस हम लोग उधर इतनी दूर जाना पड़ा था। लेकिन अब हम लोग यार पास से जाकर ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी आपका भाई निकल भी चुका है भाई यहाँ पर लेने के लिए सामान। एक सेकेंड आराम से भाई, देख कर तो गाड़ी मोड़ो यार। अबे यार चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। लेट्स गो गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और मज़ा आएगा भी गाइस। यार देखो यहाँ से राइट ले लिया अपन ने, और गाइस हम लोग सीधा निकल जाते हैं फटाफट से जहाँ पर वो शॉप मिलने वाली है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन गाइस यार ज़्यादा पास भी नहीं है, ये भी नहीं बोल सकते कि पास है, मतलब दूर तो दूर ही समझ लो गाइस। दूर भी ये बोलना गलत रहेगा कि दूर नहीं है, क्योंकि मेरे घर से शायद से है ना 6 किलोमीटर के आसपास पड़ती है जगह। लेकिन हम लोग यार बढ़िया तरीके से ले लेंगे जाकर। और भाई एक ही ड्रिल मशीन लेने तो ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं होगा आज। वैसे हम लोग जहाँ माइकल भाई के घर से जो रोड आती है ना, उस वाली रोड पर हम लोग को जाना चाहिए, वहाँ से सीधा रास्ता पड़ता है। तो अभी हम लोग उसी जगह पर जा रहे हैं, आगे से हमें लेफ्ट ले लेना चाहिए। मेरे हिसाब से यही वो लोकेशन है जो माइकल भाई के घर से आती है। नहीं ये वाला नहीं होता, ये वाली होती है गाइस। ओके यहाँ से हमें लेफ्ट ले लेना चाहिए, यही होती है ना कन्फर्म। नहीं ये भी नहीं होती है भाई, यहाँ से कैसे निकलेंगे। ओके हमें और आगे की तरफ जाना चाहिए। एक सेकेंड, हट जाओ भाई सामने से यार, सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ऑल राइट गाइज, मेरे हिसाब से ये है वो लोकेशन, यहाँ से हमें सीधा निकल जाना चाहिए। और यहीं हमें कहीं ना कहीं एम्यूनेशन की शॉप मिल जाएगी, जहाँ से हम लोग को आराम से ड्रिल मशीन भी मिल जाएगी। ये रही गाइज, देखो मैं कह रहा था ना यहीं पर है। और ये देखो फाइनली हम लोग पहुँच गए। और मैडम क्या हाल चाल है? अरे चले जा चोर यहाँ से। हाँ जा ही रहा हूँ, वैसे चोर क्यों बोला? आइए फ्रैंकलिन क्या चाहिए? भाई ड्रिल मशीन दे दे यार बढ़िया सी। अच्छा ठीक है अभी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई थैंक यू सो मच, ड्रिल मशीन दे दी गाइस इसने। और यहाँ पर अभी चल रहा है क्या चीज़ें? अरे अभी बंद कर रखी है हमने। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है लेट्स गो गाइस, यहाँ से निकलते हैं। अभी हम लोग सीधा घर चलें या फिर यार थोड़ी देर में चलें? क्योंकि गाइस देखो अभी तो आपका भाई फ्रेश हो चुका है एकदम, तो मुझे इतनी जल्दी है नहीं। और उन लोगों ना थोड़ा काम करने दो भाई, बिल्कुल काम नहीं करते, घर पर बैठे रहेंगे खेलते रहेंगे। इससे अच्छा थोड़ा काम वाम सीखे भाई, एक तो पढ़ाई लिखाई तो उन्हें करनी नहीं होती। इसलिए गाइस अभी हम लोग ना आराम से थोड़ा घूमने चलते, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। आज भाई बहुत दिनों बाद निकला हूँ ना मैं घर। अबे यार इससे अच्छा तो निकलता ही नहीं है, जो ठोक रहा हूँ मैं गाड़ी को। ये नई कार ली थी गाइस, कहीं किसी भी एंगल से आप लोगों को लग रही है नई कार है भाई, इतनी खतरनाक तरीके से मैंने इसे कर रखा है ना क्या ही बताऊँ। यहाँ से लेफ्ट, एक सेकंड यार मैडम कहाँ बीच में घुस रहे हो यार, बेमतलब के। चलो भाई यहाँ से हम लोग नीचे उतरते हैं और फटाफट से आगे की तरफ बढ़ते, कोई यहाँ मत जाना गाड़ी वाले। और ये मारी लॉन्ग जंप, और गाइस अबे भाई 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 पलट गई, काफ़ी ज़्यादा पलट के यहाँ पर आ चुके हैं। गाइस मैं आप लोगों ने एक काम करता हूँ, अपना जो पुराना वाला घर था ना, बहुत पुराने वाला, वो आप लोगों को दिखाता हूँ चल के। एक सेकंड, ये तो हम बीच वाली जगह पर आ गए, हमें दूसरी जगह जाना है, तो लेट्स गो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो जगह। पहले मैं साउंड चेक कर लूँ, म्यूज़िक तो नहीं बज रहा ना, गाना वाना बजता है ना तो आप लोगों को डिस्टर्ब होता है, फिर आप लोग कमेंट करके बोलते हो कि फ्रैंकलिन भाई अपनी ना एक गाड़ी का गाना बंद रखा करो। और गाइस चलो हम लोग निकलते हैं, और मैं आप लोग को अपना पुराना घर दिखाता हूँ, शायद से अंदर से भी भाई वो हो सकता है, शायद मेरी उधर वाइफ रहती है, जिससे गाइस यार मेरी बनती नहीं है, तो हमारा डिवोर्स हो गया था, इसलिए गाइस शायद से वो अभी वहीं रह रही होगी। पर गाइस मुझे मना नहीं करती है वो आने के लिए। और गाइस ये गाड़ी पूरी पलट चुकी है, आराम आराम से निकलते हैं। अरे भाई कैसे चला रहे हो यार? मैं तो एकदम सही चला रहा हूँ यार, पता नहीं लोग कैसे ही चलाते हैं। गाइस मैं तो एकदम बढ़िया चला रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे हो यार, वैसे यार मैं ही गलत चला रहा था, कोई बात नहीं। अभी देखो हम लोग बस पहुँचने वाले अपने घर पर, यहाँ से मुझे लेफ्ट ले लेना चाहिए, यही था रास्ता यही था। ओके गाइस यही था वो रास्ता, यहाँ से एक और लेफ्ट और फाइनली हम लोग, हाँ गाइस यही रास्ता है। देखो मुझे याद है अभी तक ये वाला घर था अपना पुराना वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और लग भी रहा है बहुत ज़्यादा बढ़िया। चलकर देखते हैं गाइस अंदर गेट खुला है या फिर नहीं खुला। लेट्स गो, खुल रखा है गाइस गेट, मेरी वाइफ यहाँ होगी शायद। ओ भाई यहीं पर है फ्रैंकलिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बस ऐसे तुम्हें देखने का मन होता तो मैं आ गया। अरे ठीक है। ओके गाइस चलो यहाँ से हम लोग निकलते हैं भाई, यार ज़्यादा देर नहीं रुकना, क्योंकि गाइस यहाँ फिर मेरी बीवी और मेरी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस यहाँ देख सकते हो भाई गणेश जी के लगा रखे हैं,
ओके हम लोग निकलते हैं भाई फटाफट से यहाँ से। आप लोगों ने देख लिया हमारा घर, यही काफ़ी अच्छी बात है। आप लोगों को दिखाना था बस यार, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से निकलते हैं और अभी अपने घर चलते हैं नए वाले में, जहाँ पर ये शिंचन पिंचन हमारी काम कर रहे हैं। अरे कहाँ रह गए भैया यार, बस आ रहा हूँ भाई। अरे अब तो हो भी गया, गेट खुल गया। अबे तुम लोग तो कह रहे थे नई ड्रिल मशीन चाहिए, अरे वो तो आपका खर्चा कराने को कह रहे थे। तू पागल हो चुका है क्या यार शिंचन, यार बेमतलब के पैसे वेस्ट कराता है। अरे अब जो भी है आ जाओ यार, आ रहा हूँ यार, दिमाग खराब कर दे गाइस ये क्या ही बोलूँ। चलो बूस्ट मार मार के निकलते हैं भाई, म्यूजिक तो नहीं बज रहा ना भाई, क्या ही बोलूँ गाइस। फालतू में सुबह सुबह खर्चा करवा दिया ना मेरा इतना। अरे खर्चा तो आपने इतना ज़्यादा खुद ही कर लिया यार, कम से कम आप 10,000 का काम वो सामान लेकर आए थे, और नहीं तो क्या। हाँ तो आपको आज की पॉटी करना ना 10,000 में पड़ा है, इससे अच्छा तो मेट्रो में जाकर कर लेते यार पैसे देकर 5 रुपये में। अबे हाँ भाई ये सही आइडिया था, पहले क्यों नहीं दिया। अरे यार पहले दिमाग में आया ही नहीं था। अरे यार क्या ही बोलूँ अब मैं तुझे, कुछ बोलना भी मत, बता रहा हूँ आपका मुँह तोड़ दूंगा मैं। अबे चुप कर जा फालतू बकवास ना कर। हाँ हाँ मैं तो छुपी रहता हूँ यार। गाइस हम लोग निकल रहे हैं अपने घर की तरफ यार सीधा, अब कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना। और भाई इन लोगों ने तो पता नहीं क्या ही सीन कर दिया, उसे गेट को खोल दिया और गाइस मेरे से ड्रिल मशीन एक्स्ट्रा मंगवा ली। देखते हैं बाद में जाके वापस होती है नहीं होती, वैसे वो करेगा नहीं क्योंकि गाइस एक बार उसके शॉप से ले लेना चीज़ें तो फिर वो वापस नहीं करता। कोई बात नहीं गाइस देखा जाएगा। यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं, थोड़ा आगे वाले कट पर आ गए थे, मुझे पीछे ही रुकना था। खैर कोई बात नहीं, आराम आराम से चलते हैं, ज़्यादा हमें जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। हट जाओ भाई सामने से, मैडम हट जाओ यार, अपने डॉगी को लेकर हटो यार साइड में से, वैसे डॉगी प्यारा है आपका। चलो गाइस निकलते हैं, फाइनली पहुंच ही गए अपने घर पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अरे यार ये बैलेंस क्यों ख़राब होता है इस गाड़ी का, मुझे तो ये समझ नहीं आता भाई, बहुत ज़्यादा बैलेंस ख़राब है इस कार का। लेट्स गो गाइस, अब ये देखो भाई ट्रक वालों ने आज जाम लगा रखा है मेरे घर के बाहर। चलो भाई चलो चलो भाई, कब तक जाम में रुकोगे, जल्दी हट। एक सेकंड रुकना ज़रा भाई, खा तेरी ऐसी की तैसी, यहाँ क्या टाइम पास कर रहा है तू, दिमाग खराब कर रहा है। चल निकल बेटा, तू भी निकल 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 निकल, तेरी ऐसी की तैसी, फालतू में जाम लगा रखा है यहाँ पर। लेट्स गो गाइस अंदर की तरफ चलते और देखते हैं इन्होंने काम खत्म कर दिया है, और भाई क्या काम खत्म किया है क्या नहीं किया है देखते अंदर चल के। लेकिन गाइस उससे पहले यार, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस फटाफट से। लेट्स गो हम लोग नीचे चलते हैं, देखते हैं गाइस क्या करा है इन लोगों ने क्या नहीं किया। अबे आ गया तू, हाँ भाई आ चुका हूँ मैं। लेट्स गो गाइस चलते हैं भाई अंदर की तरफ और देखते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं है। चलो भाई यहाँ पर तो आ चुके हम लोग, यहाँ से अंदर चलते हैं। हाँ भाई क्या हुआ, अरे देखो यार हमने बना दिया है, जा सकते हो आप अंदर। ठीक है पक्का जा सकते हो ना, अरे हाँ यार जा सकते हो। और ये ड्रिल मशीन का क्या करूँ, अरे अब इसे यार सजा के रखो और क्या करोगे, तुम लोगों का ना दिमाग खराब हो चुका है सच में। अरे हाँ यार जाओ वरना हम लोग ये बंद कर देंगे वापस से। ठीक है जाता हूँ गाइस, 3 2 1 लेट्स गो। ओ भाई इसके अंदर वॉशरूम तो नहीं है, अरे फिर क्या है भाई। एक सेकंड पीछे की तरफ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, देखो ऐसे देख रहा हूँ ना, अब आपको कैसे दिखाऊँ यार। ये देखो शिंचन विंचन हमारी गायब दिख रहे हैं, और गाइस यहाँ पर तो गन ही गन है भाई अपने घर में, इतना सब कुछ तो मुझे पता ही नहीं था। ओ भाई साहब पैराशूट भी रखो भाई, ये क्यों, ये मेरे दादा ने इतना खतरनाक घर बना रखा था कैसे भाई। गाइस जैसे कि आप लोग को पता ही, मेरे दादाजी का घर है, उन्होंने भाई काफ़ी खतरनाक बना रखा था। चलो भाई बाहर निकलते हैं भाई, देख अंदर जाके। अरे हम लोगों ने तो पहले ही देख लिया, फिर भाई वॉशरूम तो है ही नहीं इसके अंदर, मैं अगर इसे खोल भी देता तो यार हकदा कहाँ पे। अरे भाई सही बात है यार। अरे गाइस इसके अंदर तो भाई ये इतना सारा सामान था क्या ही बताऊँ, आ जाओ बाहर की तरफ आ जाओ। हाँ ठीक है चलो चलते हैं। गाइस हम लोगों ने ये गेट भी खोल कर देख लिया यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ निकली है वैसे अंदर देखा जाए तो। अब गाइस हम लोग सोच रहे हैं भाई ये जो सामने गेट है ना, ये चॉप वाला गाइस, इसे खोलने का सोच रहे हैं। और गाइस एक ऊपर, अबे हक क्यों रहा है बे, अबे मेरी बर्जी बेरा ये वाला गेट खोल दे, क्या पता बेल अलग से बाथरूम बनवाया हो। हाँ हाँ तेल ले तो, तू तो कुछ ज़्यादा स्पेशल है ना, तेल ले बाथरूम बनवाएंगे। अबे चल बे काम कर अपना। हाँ ठीक है। और गाइस मैं सोच रहा हूँ ये वाला गेट खोल कर देखे इस गेट के अंदर क्या है, बाकी हम लोग भाई कल देखेंगे यार। हाँ यार गाइस हम लोग कल देखेंगे, आपको आज की वीडियो कैसी लगी है वो ज़रूर बताना। हाँ गाइस आज भी मैं बाल बाल बचाऊँ भाई, कल तो मेरी पैंट में 2 नंबर हो गई थी। हाँ यार एकदम सही बात है यार। तो गाइस मुझे पता आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा चलेगा, आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, मैं दोस्तों के शेयर जरूर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और गाइस फटाफट से कमेंट बॉक्स में यार बताओ आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। हाँ गाइस जल्दी से बताओ। तो गाइस हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय टाटा टेक केयर।